Hi guys, welcome back to my channel. This is Divya Agarwal. So today I am finally vlogging after so long. मैं अभी last week अपने parents के यहाँ गई थी. मैंने आपको बताया था शायद कि मैं दोबारा जाऊंगी and मैंने vlog किया. मुझसे उसका intro, outro और बीच के कुछ clips ना delete हो गए गलती से and पता नहीं आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So वो vlog मैंने discard कर दिया. अब वो vlog नहीं आएगा. So I am vlogging today. Today is 18th of May. मैंने सोचा मैं अपना एक weekend vlog करती हूँ. I don't know अगर आप interested हो गए देखने को या नहीं, but it will be fun. And yeah, today is 18th of May. It's Saturday today. आज shoot तो नहीं करना है मुझे. आज shoot day नहीं है. कल मैंने shoot कर ली थी एक video. आज मुझे वो upload करनी है. तो मुझे वो किसी भी हालत में edit करके आज upload करनी है. Today is Saturday. मैंने अपना posting schedule change कर दिया है. Earlier I used to post on Tuesdays and Fridays. आजकल मैं Wednesdays and Saturdays को post कर रही हूँ. So yeah, we have to edit a video, upload the video. I also have to wash my makeup brushes today. And मैंने सोचा कि मैं अपना facial भी करूँगी. My skin is breaking out बहुत बुरी तरह से. मुझे बहुत ज़्यादा pimples हो रखे हैं. I don't know if you can see मेरी skin बहुत ज़्यादा इस time पे breakout हो रही है. Because of pollution I guess, और मैंने travelling भी किया तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है. गर्मी ने तो ना जान निकाल दी है. मतलब इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा. जैसे मैंने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गई थी तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ वापस और इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सो बस तब से ये पिंपल्स हैं यहाँ पे. सो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग फॉर माय स्किन. तो मैं शायद आज फेशियल करूँगी, नॉट श्योर. ऑल्सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट. मैंने पोहा खाया ब्रेकफास्ट में. सो आफ्टर माई ब्रेकफास्ट आई ऑलवेज क्रेव फॉर सम बेवरेज. जब तक मैं ब्रेकफास्ट खाने के बाद, मतलब आधे एक घंटे बाद कुछ पी नहीं लेती हूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता. ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने खाना खा लिया है. सो अच्छी आदत भी बोल सकते हैं उसको, बुरी आदत भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. सो आई इधर हैव टी और कॉफ़ी और समथिंग, कुछ भी बेवरेज जो भी मेरा पीने का मन हो उस टाइम पे. सो आज मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो आज हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे. एंड या दैट्स दैट. आई रियली होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स देखने में मजा आता होगा. आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं. किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं वो भी जरूर बताना, कमेंट कर देना. एंड या लेट मी जस्ट मेक सम कॉफी एंड स्टार्ट माई डे. Here is my coffee. This is the bottle that I got from DMart. मैंने अभी अभी एक हॉल वीडियो डाली है, उसमें मैंने दिखाई थी. It's a very cute bottle. अभी मैं इसको ऐसे ही पीऊंगी डायरेक्टली क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है. मैंने मेटल स्ट्रॉज ऑर्डर की हैं, वो आएंगी तो तब, अदरवाइज मैं ऐसे ही पीऊंगी अभी इसको. एंड अभी इसका कलर आपको काफ़ी लाइट लग रहा होगा क्योंकि मुझे ना कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी. सो मैंने अपनी कॉफ़ी को कम करने के लिए, अगर मैं दिन में एक बार कॉफ़ी पीती हूँ तो वो तो मैं पीती हूँ, बट मैंने दूध में कॉफ़ी की क्वांटिटी को कम कर दिया है. सो ग्रेजुअली कम करोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी वैसी ही. सो दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है उसमें. सो या ना, आई एम गोना एंजॉय माई कॉफ़ी. या फिर पहले मैं अपने मेकअप ब्रशेस सोक कर देती हूँ, ब्लेंडर और ब्रशेस, ताकि जब तक मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करूँ और जब तक मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लूँ तब तक ब्लेंडर और ब्रशेस अच्छे से सोक हो जाए. सो लेट्स जस्ट डू दैट. सिंक में वाटर ब्लॉकेज करके मैंने ये शैम्पू डाला है एंड देन मैंने अपने सारे ब्रशेस सोक कर दिए हैं इसमें. So I've soaked my brushes and now I'll enjoy my coffee. Editing करूँगी and then I'll catch you. क्योंकि जिस फोन से मैं शूट कर रही हूँ उसी फोन पर मुझे एडिटिंग करनी है. Much, much, much later. So guys, I washed my brushes and उनको मैंने धूप में रख दिया सूखने के लिए. Now I have to clean this bag क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ गई थी अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ. एंड आई एम वेरी बैड विद यू नो अनपैकिंग माई बैग्स. तो मैंने कल ही अपने बैग्स अनपैक किए हैं एंड आई कीप माई बैग्स वेरी सिक्योरली. बहुत पजेसिव हूँ मैं अपने बैग्स के लिए, चाहे वो कोई भी बैग हो. तो कोई भी बैग जब मैं कैरी करती हूँ ना कहीं पे तो उसको वापस आके मैं ज़रूर साफ करके रखती हूँ. मैं ऐसे ही नहीं रखती, अभी मैं इसको अच्छे से साफ करूँगी. सो ये कैनवस मटेरियल है एंड ये फेक लेदर है. तो इस पर मैं वेट वाइप्स से इसको साफ कर दूँगी. वेट वाइप्स चल जाते हैं इस बैग पे, हर एक बैग पे वेट वाइप्स नहीं चलते हैं. सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप अपना बैग ख़राब ना कर दो साफ करने के चक्कर में. सो मैं एक वेट वाइप लेके इस पूरे बैग को अच्छे से साफ करूंगी. पहले मैंने अंदर से पूरा खाली कर लिया, इसको अच्छे से झाड़ लिया है
ठीक है, अगर फेक लेदर का बैग है और उसपे ज्यादा कलर नहीं है, मतलब चटक कलर नहीं है उसपे, तो वेट वाइप से क्लीन हो जाता है. बट अदरवाइज अगर उस पर बहुत ज्यादा जैसे पिंक, फ्यूशिया पिंक कलर का बैग है या ऐसा, तो उसका चांसेस होते हैं कि कलर निकल जाए. बाकी डिपेंड करता है क्वालिटी पे भी. आप देखो कितनी डस्ट निकली है. सो अच्छे से बैग को मैं अपने को क्लीन कर दूंगी एंड देन आई विल कीप इट सेफली. एंड वेट वाइप से साफ करके उसी टाइम संभालना नहीं है इसको, इसको थोड़ा टाइम सूखने देना है, बिकॉज वेट वाइप से ऑब्वियसली थोड़ा सा गीला तो हो ही जाएगा. और अगर आपका कोई डार्क कलर का बैग है या आपको लग रहा है कि उसका कलर, पहले तो ना थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देख लेना आपके बैग का कलर तो नहीं निकल रहा है. अगर निकल रहा हो तो उसको फिर आप गीले कपड़े से साफ कर सकते हो. एंड अगर लेदर है तो उसको तो आप गीले कपड़े से साफ करके फिर पोंछ भी देना, क्योंकि लेदर जो है वो गीली हो जाए तो थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो उसको तो अच्छे से सुखा के रखना. अच्छे से क्लीन हो गया ये. एंड नाउ मैं इसको 2-4 मिनट 5 मिनट सूखने दूंगी. उसके बाद मैं पहले इसकी फिलिंग्स ले आती हूँ, जो इसके अंदर मैं फिलिंग्स डालती हूँ. एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसको रखती हूँ ताकि इसकी शेप खराब ना हो. दीज आर द फिलिंग्स जो कि मैं इसमें डालती हूँ. ये बहुत ज्यादा लग रही है बट इसमें ये पूरी आ जाती है. सो लेट मी जस्ट फिल इट इन फ्रंट ऑफ मी. ये मैंने रख रखी है संभाल के स्टार्टिंग से ही. इस तरह से कुछ आपको अपने बैग को पूरा स्टफ कर देना है ताकि इसकी शेप कहीं से भी खराब ना हो. एंड देन इसकी जिपर को बंद करके एंड देन यू कैन जस्ट डू दिस टू योर बैग ताकि थोड़ा सा ये हो जाए. अभी ये थोड़ा सा गीला है, ये सूख जाएगा तो मैं इसको इस पन्नी में डाल के रखूंगी, क्योंकि इसके साथ, ये वाले बैग के साथ डस्ट बैग नहीं आया था. एंड मोस्टली मैं डस्ट बैग्स में रखती हूँ या फिर जो कपड़े के जो वो होते हैं ना, क्लॉथ बैग्स होते हैं जो हमें ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तब मिलते हैं, तो उसमें डाल के रख लेती हूँ. बट इतना बड़ा मेरे पास कोई है नहीं क्लॉथ बैग, तो इसलिए मैं इसी में फिलहाल डाल के रख रही हूँ. जब मिल जाएगा इस साइज का तो मैं उसमें डालूंगी. अभी मैं इसी में स्टोर करती हूँ इसको. आई कीप माई बैग्स वेरी वेरी सेफली. नाउ मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ एंड देन मुझे अपनी वीडियो लगानी है एडिटिंग. वीडियो एडिट कर ली है मैंने, वीडियो लगानी है अपलोडिंग पे. एंड देन आई एम थिंकिंग कि मैं फेशियल कर लेती हूँ, बट मुझे बहुत गर्मी लग रही है. सो लेट्स जस्ट सी. हाँ देखते हैं, पहले मैं इसको रख के आई. 15 मिनट्स लेटर. सो गाइस बैग मैंने अभी दूसरे रूम में रख दिया है सूखने के लिए. आई विल गो अहेड विद माय फेशियल. दिस इज द ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की फेशियल किट जो मेरे पास थी, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, बट मेरे पास पड़ी थी काफी टाइम से, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज कर लेती हूँ. इट हैज 5 स्टेप्स ऑल्सो. मैं मिनीसो से ये लेके आई थी एक बार. मैंने सोचा था मैं क्यूट सी वीडियोज बनाया करूंगी इसको लगा के, यू नो स्किन केयर की, बट मौका नहीं मिला. आज लगा लेते हैं इसको. गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा. दिस किट हैज 5 स्टेप्स. देख लेते हैं कौन कौन से सैशेज में है ये. द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजर. सेकेंड स्टेप इज द फेस स्क्रब. दिस इज द मसाज जेल, द मसाज क्रीम एंड अ फेस मास्क. सो लेट्स स्टार्ट. With my facial, अच्छी तो लग रही है स्किन, काफी क्लीन लग रही है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है. आई फील वेरी गुड, माई स्किन फील्स वेरी गुड. मैंने थोड़ी बहुत आइसिंग भी कर ली अपने फेस को फेशियल के बाद. नाउ आई विल अप्लाई गुड लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर और मैं लंच करूंगी. अपनी जो वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह फिल करूंगी एंड देन आई विल टेक सम रेस्ट और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ शाम को. नेक्स्ट मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग यू गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड इट इज हॉट ए एफ. बहुत ज्यादा गर्मी है. आई हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई शावर. आई हैड ओट्स बनाना स्मूदी. आज मैंने सुबह वो लिया था. नहाने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया. जस्ट संडे थिंग्स. एंड अभी पीछे मंदिर में कुछ चल रहा है. आई गेस आई डोंट नो. अभी पास में यहाँ मंदिर है ना, वहाँ कुछ चल रहा था. आपको पीछे आवाज आ रही होगी. सो दैट्स दैट. आई हैड माई ब्रेकफास्ट. आई हैव शावर्ड. लग नहीं रही हूँ मैं कि मैं नहा चुकी हूँ, बट मैं नहा चुकी हूँ. माई हस्बैंड इज शावरिंग. सो हमें ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा टाइम हो गया. अभी इट्स 11:30 ऑलमोस्ट. तो अभी मैं फ्रूट्स काटूंगी, वाटरमेलन एंड पपाया. वील हैव सम फ्रूट्स ऑल्सो. टुडेज प्लान इज माई हस्बैंड वॉन्ट्स अ फुट मसाज फ्रॉम मी. नाउ आई टोल्ड यू कि जब उनका बर्थडे था, मैंने उनके लिए मिस्ट्री बॉक्स बनाया था, जिसमें मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें ऐड करी थी जो मैंने आपको दिखाई. उसके अलावा मैंने इस टाइप के कुछ कूपन्स भी बनाए थे उनके लिए, DIY 3-4 कूपन्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक फुट मसाज का कूपन भी ऐड किया था, जिसको ये यूज कर सकते थे टिल 1st of June. बाकी मतलब हर कूपन की वैलिडिटी अलग अलग है, कईयों की तो एक साल भी है. सो आई गॉट हिम अ कूपन फॉर 5 रिडेम्पशन. एक शॉपिंग के लिए भी था. ही वॉन्टेड टू यूज दिस वन फुट मसाज, बट ही रिक्वेस्टेड मी टू डू अ पेडिक्योर इंस्टेड ऑफ अ फुट मसाज, क्योंकि यू नो पेडिक्योर इज मच मोर रिलैक्सिंग आई गेस. और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो पेडिक्योर से ज्यादा अच्छा फील होगा. सो टुडे आई विल गिव हिम अ पेडिक्योर, बट अभी नहीं, मे बी दोपहर के बाद. अभी आई विल कट सम फ्रूट्स. बहुत ज़्यादा गर्मी है. अभी ये पार्ट शूट करने के लिए मैंने फैन ऑफ कर दिया है. नाउ आई विल स्विच ऑन द AC. आई विल कट सम फ्रूट्स. वी विल हैव फ्रूट्स. उसके बाद हम या तो बुक रीड करेंगे या मूवी देखेंगे या कुछ भी अपने फ़ोन पर देखेंगे. एंड देन आफ्टर 3-4 PM मे बी आई विल गिव हिम अ नाइस पेडिक्योर. एंड longer than a few minutes later. Hi guys, I'm checking in after 1.5 hour. आज पता नहीं क्या हो गया, हमें बहुत भूख लग रही है. 1.5 घंटे पहले हमने फ्रूट्स खाए थे एंड अभी काफ़ी भूख लग रही है. सो रात को ना मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो थोड़ी ज़्यादा बन गई थी गलती से. सो मैंने सोचा कि अभी मैं वही गर्म करूँगी और हम वही खाएंगे. आज मैंने यही सोचा था कि हम लंच नहीं बनाएंगे, हम वही खिचड़ी खा लेंगे. सो वी आर गोना हैव दैट. ऑल्सो मैंने मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ही आइसक्रीम बहुत पसंद है, बट आइसक्रीम में ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीठा होता है, तो हमें उस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम थी. तो मैंने ना हेल्दियर अल्टरनेटिव्स सर्च किए थे यूट्यूब पे आइसक्रीम के, एंड आई फाउंड अ फ्यू रेसिपीज़, जिसमें से एक बनाना आइसक्रीम मैं अभी प्रिपेयर करूँगी. उसके लिए बनाना को पील करके, उसको काट के और एक डब्बी में डाल के ना फ्रीज़र में रखना होता है, जो मैंने सुबह रख दिया था 5-6 घंटे के लिए रखना होता है. तो अभी 5-6 घंटे हो ही गए हैं. नाउ आई एम गोना मेक द आइसक्रीम एंड फिर उसको फ्रीज़र में रखेंगे, तो रात को खाएंगे ठंडी ठंडी. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनानी है. ऑल्सो खिचड़ी गर्म करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत भूख लग रही है आज. आज सोचा था कि लंच नहीं बनाएंगे, बट आज तो बहुत ही भूख लग रही है. सो लेट्स जस्ट प्रिपेयर द लंच एंड ऑल्सो प्रिपेयर द आइसक्रीम. मैंने फ्रीज करने के लिए रखे थे ये, मैंने 2 ही बनाना लिए. अभी ये आमंड सोक करके रखे थे सुबह, इसको 5-6 घंटे हो गए सोक किए हुए. अभी मैं इनको पील करूंगी, इनका छिलका उतारूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लूंगी, आमंड मिल्क बनाऊंगी. तो दीज आर द आमंड्स, इनको पील कर लिया हमने. नाउ वील एड सम मिल्क. आई आस्क्ड माई हस्बैंड, तो उन्होंने बोला मिल्क ऐड कर ले, वाटर मत कर. ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया ना. इसी में वील ऐड बनानास. बनाना के बाद मैंने ये थोड़ी सी धागे वाली मिश्री, ये मैंने इसको थोड़ा सा कोर्स पीस लिया है बेलन से ही. इसको हम मोल्ड्स में निकालेंगे और फिर इसको फ्रीज कर देंगे. बहुत गर्मी है, बाल बांध के आना चाहिए था किचन में. सो ये मोल्ड्स मैंने डीमार्ट से लिए थे, इसी में मैं आइसक्रीम डालूंगी सेट होने के लिए. दिस इज आर प्रिपरेशन बैटर, जो भी बोल सकते हो आप आइसक्रीम का. अब मैं इसको मोल्ड्स में डाल के फ्रीजर में रखती हूँ एंड देन अच्छे से लंच गर्म करती हूँ एंड देन आई विल कैच यू. हम लोग जा रहे हैं दूध लेने. यहाँ पास में एक गांव से हम लोग रोज दूध लेने जाते हैं, और किसी को मैंने अभी पेडिक्योर सर्विसेज दी है, वो भी फ्री में. कैसी लगी आपको?
बहुत अच्छी, वही की गुप्पन था, अब यूज हो गया, अब और नहीं मिलेगी, अब मुझे भी पेडिक्योर सर्विस चाहिए किसी दिन, ठीक है? हाँ, ये देखिए क्या लगा हुआ है, पता नहीं, ये देखो आप कितने सारे खेत हैं, इन खेतों में से होके जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर थोड़ी सी सैर भी हो जाती है, सो विन विन. The next